बड़ी बड़ी 14 पार्टियां थी, सभी का दिग्गज दावा था कि मैं जीत दर्ज कर रहा हूँ। अभी भी रणनीति बाकी है, अभी जो है चुनावी सभा संबोधित खत्म हुआ, इलेक्शन खत्म होने के बाद सभी पार्टियां अभी भी डंके पीट रहे हैं कि मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ। देखना यह है कि 23 तारीख को फैसला किसके हाथ में होता है और वो कौन पार्लियामेंट का हकदार बनेगा। इसी बीच एक मामला और खुल के सामने, बहादुरगंज विधानसभा से खुलकर सामने आया है, जिनका नाम है एहतसाम भाई, और इस बार के विधानसभा चुनाव पर उनका भी एक प्रोपेगंडा तैयार हो रहा है। वो भी एक दावा पेश कर रहे हैं कि विधानसभा बहादुरगंज से चुनाव लड़ेंगे और जनता की जन समस्याओं का जो आदान प्रदान है उसके मुख्य स्रोत पर वो अपना पक्षपात को लेकर के चलेंगे। इनसे खास बातचीत करने में हम अभी इस वक्त जो है एहतसाम भाई के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए मैं इनसे जानता हूँ खास बात क्या क्या है और कैसे इन्होंने स्टार्ट किया। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप जो आपका रणनीति है वो किस आधार पर है और कैसे आपने चुना है इस तरह का कि मैं विधानसभा चुनाव। बस नौजवान सबों का डिमांड है कि आप चुनाव लड़िए और विधानसभा में आइए और बदलाव लाना चाह रहे हैं लोग, तो इसी को देखते हुए अब सभी से राय मशवरा करने के बाद अपने लोगों से अपने गार्जियन से सबसे मशवरा करने के बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा विधानसभा के बारे में, फिर जब विधानसभा लड़ने के बारे में पक्का प्रोग्राम बन जाएगा, इरादा बन जाएगा, फिर आपको बताएंगे। जैसा कि कहा जाता है समाज में लोगों का जो नज़रिया है, जो जनता की जो नज़रिया है, वो आपका रुझान जो है जनता कुछ खुल के कह रहा है कि एहतसाम साहब वो ऐसे शख्सियत हैं कि जो बहादुरगंज के सरजमीन से जुड़े हुए हैं, यहाँ की हालतों को बखूबी जानते हैं, यहाँ की जन समस्याओं को हमेशा उन्होंने सुलझाने का प्रेरणा किया है उन्होंने, और उनका जन उद्देश्य है कि मैं इस समाज के लिए सबसे बड़ा प्रेरणा खुल के आ रही है। क्या एहतसाम भाई आप मुझे ये बताइए क्या आपका उद्देश्य रहेगा अगर चुनाव लड़ते हैं आप, तो किस पार्टी से लड़ेंगे और किस उद्देश्य पर? अभी तो पार्टी के बारे में कोई डिसाइड नहीं किया है और ना ही मैं किसी पार्टी में हूँ, लेकिन जनता का अपार प्यार मिल रहा है इसके लिए मैं जनता का शुक्रगुजार हूँ। ये मामूली आदमी को इतना प्यार मोहब्बत से लोग कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ की जनता का, और पार्टी देखेंगे आगे कोई अच्छी पार्टी से चुनाव। हालांकि माना ये भी जाता है कि एहतसाम साहब ऐसे शख्सियत हैं कि जो मुजाहिद मास्टर MLA हैं, बिहार विधानसभा के एक मेंबर हैं, हालांकि उनके काफ़ी मैं बता दूं अपने ऑडियंस को, अपने जो मेरे सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हैं, मैं उनको बता दूं कि एहतसाम साहब मास्टर मुजाहिद कोचारावन के विधायक उनकी काफ़ी करीबी हैं माना जा रहा है। हालांकि ये भी बात खुल के आ रही है कि अगर होने पर JDU के टिकट से भी लड़ सकते चुनाव, या कहना मुश्किल है ये किस आधार पर यह आने के वक्त आने वाले वक्त पर फैसला होगा। क्या आप जो है मुजाहिद मास्टर से जितना क्लोज है उस आधार पर क्या आप मास्टर मुजाहिद साहब से करीब ही नहीं, वो हमारे गार्जियन हैं, टिकट के बारे में तो कह नहीं सकते कि कौन पार्टी का टिकट मार साहब देंगे नहीं देंगे या क्या होगा इसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि मास्टर साहब हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, और जैसा होगा हम लोग आपस में बात करेंगे फिर आपको बताएंगे। नहीं जैसे खुल के सामने आ रही है समस्या ये भी कि आप JDU के टिकट भी चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा ज़्यादातर लोग तो रुझान है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता अभी, समय का इंतजार कीजिए, समय सब बताया जाएगा आपको किस पार्टी से लड़ेंगे। अब तक के लिए क्या आपका एजेंडा क्या है? मुख्य मुद्दा रहेगा चुनाव लड़ेंगे तो पब्लिक का समस्या को हल करने के लिए हमेशा से काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, जब वार्ड कमिश्नर रहे तब भी, वार्ड कमिश्नर के बाद भी, और बहुत सारी समस्या है, विकास मुद्दा होना चाहिए, किसी जातिवाद कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, विकास मुद्दा होना, विकास के जो एजेंडे पे वोट मांगेंगे आप, विकास पे क्या आपने अब तक नहीं विकास में विकास के लिए हमेशा हम लोगों ने काम किया है, विकास रोड हो, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम हो, एजुकेशन हो, हेल्थ पर काम हो, सब बेहतर काम, बहुत सारे काम है जो इलाके में करने की जरूरत है। एहतसाम भाई मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करूँगा कि आप जो नगर निगम के वार्ड पार्षद थे, आप वार्ड मेंबर थे, आप जब ये आपका मेयर जस्टिस पीछे बस स्टैंड है आ रहा तभी आपने देखा होगा बारिश हो जाने के कारण कितनी कीचड़ वगैरह है वहाँ पर, अब तक नगर निगम द्वारा कुछ अब तक सिस्टम या उसका कुछ नहीं कराया गया, उसको तो नहीं कराया। एक्चुअली नगर क्षेत्र में जिस हिसाब से पैसा आना चाहिए वो नगर विकास पैसा नहीं दी जा पा रही है, नगर पंचायत पैसे के अभाव के कारण भी नगर पंचायत का काम नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आप लोग ऊँचे तथा के जो अधिकारी हैं आपने जो पार्लियामेंट्री बता रहे उससे क्यों आप लोग इसमें किया जा रहा है, नगर विकास मंत्रालय से भी नगर विकास से भी बात हो रही है बराबर, अभी मेरे ख्याल से बहादुरगंज बस सिस्टम का काम भी होना शुरू हो जाएगा बहुत जल्द, जो यहाँ एक सिस्टम से कुछ दुकान पड़ेगा जिसको किराए पर भी किया जाएगा गरीब लोगों को,
तो काम हो ही रहा है और होगा, काम बेहतर होगा, पहले कम काम हो रहा था, बहुत ज़्यादा तेजी से काम हो रहा है। कितना जनता जनता को आप भरोसा देंगे कि आप जीतने के बाद उनका झंडा है जो उनका सिस्टम है उसका ज़्यादा से ज़्यादा कुछ और नेताओं के तरह तो नहीं करेंगे पास पर्सन मिले? अभी तो आने वाले वक्त में जनता विश्वास करेगी तो जनता को दिखाएंगे कि जनता के भरोसे पर कितना खड़ा होते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ थे एहतसाम भाई जो बहादुर विधानसभा चुनाव से इस बार उनका एजेंडा है कि वो इस बार चुनाव लड़ेंगे और इसका जो रणनीति है वो विकास के नाम पर मांगा जाएगा वोट। हालांकि वार्ड पार्षद में रहकर के कितना इन्होंने कार्य किया है हम भी इसके हम इसका पड़ताल जरूर करेंगे। आप बने रहिए MSTV न्यूज़ पर। कैमरा पर्सन हसन लाल के साथ मैं मीना राशन। अब हमारे चैनल को यूट्यूब पर देखते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, पहला आइकन की घंटी को दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। और हमारे वीडियोस में अगर कोई प्रॉब्लम आपको दिखता हो या हमारे न्यूज़ में आपको अगर कुछ कमियाँ दिखती हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट बॉक्स पे आके बताएं।